नमस्कार दोस्तों, तो आज की मेरी इस वीडियो में अगर आप मेरी वीडियो को न देखते हुए मेरी ऑडियो को अच्छे से सुने तो आपको ये बेहतर से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। कि जैसा हम बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि दया धर्म का मूल है, सभी धर्म ग्रंथों में दया पर ही अधिक जोर क्यों दिया गया है। अगर आप दया नहीं कर सकते हैं तो आपका ये मानव जीवन निरर्थक है। ये तो उसी प्रकार की बात हुई कि जन्म लिया, खाए पिए, बड़े हुए, विवाह शादी हुई, वंश वृद्धि पर परिवार को आगे बढ़ाया और कालांतर में जीवन यात्रा पूरी कर पहुंच गए अगली योनियों में। आगे लिखा है कि ऐसा जीवन तो पशु पक्षी भी जीते हैं, तो फिर हम इंसानों या पशु पक्षियों में क्या अंतर हुआ। छोटे बच्चे, बिलखते बच्चे, भूखे बीमार बच्चे, बुजुर्ग असहाय, वृद्ध वृद्धा, ये फहरिस्त काफ़ी लंबी होती है। हे मनुष्य आत्माओं, तुम इन पर दया करो, तुम्हें भगवान मिलेंगे। आपको ईश्वर की प्राप्ति के लिए दयालु बनना होगा। मन में दया भाव व इंसानों के प्रति करुणा, विनम्रता व सहनशीलता रखनी होगी। ये वाक्य आपने भी कई बार सड़क से गुजरते हुए देखा होगा कि स्कूल या काम पर जाते बच्चे इस तरह से लिफ्ट मांगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं। ये बात विडंबना की ही कही जाएगी। अरे भाई, किसी स्कूली बच्चे को अगर आप जाते हुए अपने वाहन पर बिठाकर उसको उसके मुकाम तक या उसके नज़दीकी ठिकाने तक ही छोड़ दें तो आपको उसकी जो दुआएँ मिलेंगी ना, उसी दुआओं से आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। आपको अपार खुशी तो मिलेगी ही इस बात की, आज मैंने अपनी जिंदगी में एक अच्छा काम किया। देखिएगा कि आपको ईश्वर प्राप्ति की अगर चाह है तो आपको आपके चरण में थोड़ा सा ही सही लेकिन सुधार जरूर होगा। ठीक है, आपके पास समय नहीं है तो आज के मोबाइल, ईमेल व इंटरनेट के ज़माने में भी आप दया को अर्पित कर सकते हैं, और वह भी घर बैठे। कैसे? ठीक है, यदि आपके पास अनाथालय, वृद्धाश्रम, श्रमिक महिला आश्रम, महिला उदार गृह, रोगियों द्वारा एक उदार गृह या आदि जगहों पर जाने का समय नहीं है तो आप इन आश्रमों में फ़ोन करके, सोशल या मोबाइल नेटवर्किंग पर संपर्क करके अपनी धनराशि भेंट कर सकते हैं। इन आश्रमों में कर्मचारी आपके घर आकर धनराशि ले जाएंगे तथा आप पुण्य के भागी बन जाएंगे। अगर आप किसी की एक छोटी सी भी मदद करते हैं तो वह व्यक्ति कृतज्ञ भाव से आपकी ओर देखता है। तब आपको जो आत्मसंतोष मिलता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कभी आप भूखे बच्चे को रोटी खिलाकर, फतेहल व ठंड में ठिठुरते लोगों को वस्त्र पहनाकर, किसी सताई हुई नारी को ये दिलासा देते हुए कि बहन चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, उसके सिर पर अगर आप हाथ रखेंगे तो भावुकता वश आपकी आंखों से भी इस बात को लेकर अश्रुधारा बह निकलेगी कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा काम किया है। जब ईश्वर के सामने हम अपने कर्मों का हिसाब किताब देने हेतु खड़े होंगे तो बिल्कुल निश्चिंत होंगे, क्योंकि आपके मन में ये भाव लगा रहेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। तो आगे लिखा है कि ठीक है, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ये काम तो कर ही सकते हैं कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा है जो आते जाते लोगों को लहूलुहान कर रहा है। कई लोग ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कई को गंभीर चोट भी लग सकती है या लगती भी है, तो हमें चाहिए कि वो पत्थर उस जगह से हटा करके एक तरफ रखते हैं। अपने इस ज़रा से कष्ट से कई लोगों की सुविधा हो जाएगी। आपका अनजाने व खामोशी से किया गया ये कर्म आपको भी आत्मसंतुष्टि देगा, लोगों की दुआएं भी
आपको मिलेंगी। कई चौराहों व रास्तों पर देखा गया है कि बुजुर्ग बच्चे व महिलाओं को रास्ता पार करने हेतु ट्रैफिक रुकने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, किंतु ट्रैफिक है कि रुकने का नाम नहीं लेता। आप ऐसी स्थिति में उनकी मदद के लिहाज से उनका हाथ पकड़कर रास्ता पार करा सकते हैं। ये भी बिना खर्च किए मुफ्त की एक अच्छी मानव सेवा है। मानव की सेवा माधव की सेवा के बराबर मानी गई है। आप चाहें चारों धामों की यात्रा करें, लेकिन एक इंसान की सेवा अगर ज़रूरत के समय नहीं करते हैं तो चारों धामों की यात्रा का कोई फल मिलने वाला नहीं है। खराब वचन और खराब कर्म करने के बाद भगवान को जल अर्घ एवं निस्वार्थ असहायों की सेवा करके आप अपने द्वारा किए गए पाप से बरी नहीं हो सकते, क्योंकि कर्मों का फल तो हर व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है, इससे भगवान भी नहीं बचा सके तो इंसान की क्या विसात। अगर समाज से श्रेष्ठ कर्म यानी दया भाव का खात्मा हो जाए तो ये बस्ती इंसानों की बस्ती ना कहलाकर पशु पक्षियों से भी गई बीती बस्ती कहलाएगी। इंसान द्वारा इंसान से प्रेम किया जाना मनुष्यता की पहली पहचान होती है। इस प्रकार हम भी अधिक नहीं तो थोड़ी सी दया भावना मन में रखकर पीड़ित मानवता की सेवा करके उस व्यक्ति को सार्थक कर सकते हैं कि दया धर्म का मूल है। मानव सेवा का जज्बा अपने आप में इतना कूट कूट के भर दो अपनी समाज में असहाय बच्चे, असहाय बीमार बुजुर्ग या समाज की सताई हुई दुखियारी माँ बहनें, सबके प्रति सेवा भाव, मानव सेवा, माधव सेवा की भावना से कार्य करें। निश्चित रूप से आपको आत्मीय सुख की प्राप्ति होगी। बीमार, अपाहिज, विकलांग, भूखे, नेत्रहीन या कुष्ठ रोगों के प्रति जो करुणा व दया के भाव से साथ आप जीते हो, तो विश्वास करो कि आप भगवान के निकट जा रहे हो। कई सज्जन लोगों में ये भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इस प्रकार हम दया भाव रखकर पीड़ित मानवता की सेवा कर सकते हैं तथा ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल साहिल शर्मा राजपुरा को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।